अर्जुन तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहता है, तन्वी यही कि पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो अनन्या याद है तुम्हें, राम काका ने हमें जिप्सी में आते वक्त यहाँ की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि छाया ने मेघ गांव में अपना पहला शिकार, अर्जुन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसे बीच में टोकते हुए अनन्या कहती है, हाँ अर्जुन मुझे याद है, पर इससे छाया की मुक्ति का क्या लेना देना। अर्जुन झट से अनन्या की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है, लेना देना है यार, चल छोड़। ठाकुर साहब, आपको तो याद होगा ना कि छाया ने मरने के बाद अपना पहला शिकार किसे बनाया था। महेंद्र सिंह कहते हैं, हाँ याद है, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आखिर उसने पहला शिकार हमारे परम मित्र दनपत राय को बनाया था। पीयूष कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो मेघ गांव के सरपंच का नाम है ना। अर्जुन कहता है, हाँ पीयूष उन्हीं का नाम है। अनन्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, यार अर्जुन तू ये घुमा फिरा कर बात मत बता, समझा, मेरा सिर घूम रहा है, तू सीधे सीधे बताएगा कि बताना क्या चाहता है। अर्जुन झट से कहता है, हाँ आ रहा हूँ, तुम लोग खुद बीच में बोल देते हो और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। अब गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब राम काका ने बताया था कि छाया ने मेघ गांव के सरपंच को मार दिया था तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक नहीं हुआ था। उसने पौराणिक परंपराओं को बदल कर रख दिया था। समीर बीच में कहता है, हाँ मुझे याद है, क्या कहा था राम काका ने, क्या कहा था, हाँ याद आया, अंत्येष्टि दनपत राय के मरने के बाद कोई उनका अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर पाया था। पीयूष अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अंत्येष्टि मतलब दाह संस्कार ना, यानी शव को चिता पर जलाना। अनन्या कहती है, हाँ मोटे। अर्जुन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, राम काका ने हमें बताया था कि छाया ने मेघ गांव को श्राप दिया था कि कोई भी मेघ गांव में किसी का दाह संस्कार नहीं कर पाएगा। ये पूरा श्राप दनपत राय से शुरू हुआ था, तो क्यों ना इस खेल को उन पर ही खत्म कर दिया जाए। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, मतलब ये कि आज तक ये तंत्र मंत्र के बारे में मैंने जितनी भी स्टडी की है उसके हिसाब से अगर किसी की रूह को मुक्ति दिलानी है तो उसके श्राप को खत्म करना पड़ता है, और छाया ने मेघ गांव को जो श्राप दिया था वो था दाह संस्कार ना कर पाने का श्राप। रुद्र धीरे से कहता है, मतलब ये कि यदि हमें छाया का श्राप तोड़ना है तो दनपत राय के शव का दाह संस्कार करना पड़ेगा, तभी छाया को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, हाँ रुद्र तू बिल्कुल ठीक समझा, मैं यही समझाना चाहता था। तन्वी बीच में कहती है, पर दनपत राय जी की लाश कहाँ पर है हमें क्या पता। महेंद्र सिंह तन्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है, दनपत राय की लाश को हम लोगों ने ही दफनाया था। पर आदित्य पुजारी जी आपको क्या लगता है, ऐसा करने से छाया को मुक्ति मिल जाएगी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य पुजारी कहते हैं, ठाकुर साहब यदि देखा जाए तो अर्जुन का कहना ठीक है, हमने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि किसी चुड़ैल को खत्म करना है तो उसके श्राप को खत्म कर दो तो उसे मुक्ति स्वयं मिल जाएगी। महेंद्र सिंह आदित्य पुजारी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब ये कि हमें दनपत राय की लाश को ढूंढकर जलाना है। आदित्य पुजारी महेंद्र सिंह की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, जी हाँ, पर उसी के साथ साथ हमें इन चारों शिवलिंग की स्थापना भी मेघ गांव में करनी है, इन्हीं से छाया की शक्तियां नष्ट होंगी, पहले हमें उसकी शक्तियां ही नष्ट करनी है, उसी के बाद कुछ करना है। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, पर पुजारी जी मान लीजिए कि शिवलिंग की स्थापना करने के बाद छाया की शक्तियां तो नष्ट हो गई, पर दनपत राय की लाश को ढूंढने से पहले ही छाया ने कोई नई चाल चल दी या 46 बच्चे की बलि दे दी तो उसे तो वापस से उसकी शक्तियां मिल जाएंगी ना, फिर इन शिवलिंग की स्थापना से हमारा कुछ नहीं होने वाला। आदित्य पुजारी कहते हैं, पर रुद्र यदि हमने पहले इन शिवलिंग की स्थापना नहीं की तो छाया हमें मेघ में घुसते ही खत्म कर देगी, तुम नहीं जानते वो कितनी ताकतवर बन गई है, उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। रुद्र हैरानी के साथ कहता है,
फिर हम क्या कह रहे पुजारी जी? अर्जुन झट से कहता है, इसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। पीयूष बौखलाहट के साथ कहता है, क्या आइडिया यार, जल्दी बता। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम डिवाइड हो जाएं, कुछ लोग शिवलिंग की स्थापना करेंगे और कुछ दनपत राय का शव ढूंढेंगे। समीर कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। रुद्र कहता है, तो फिर तय रहा, मैं अर्जुन, समीर और पीयूष आदित्य पुजारी और निर्मल पुजारी के साथ मिलकर इन शिवलिंग की स्थापना मेघ गांव में करेंगे और बाकी तन्वी, तुम और अनन्या ठाकुर साहब के साथ मिलकर दनपत राय के आधे जले शव को जलाएंगे। आदित्य पुजारी कहते हैं, ठीक है, उचित है ये, पर आप चारों लड़के याद रखना, शिवलिंग एक बार उठाने के बाद आप इसे दोबारा नीचे नहीं रख सकते। यदि एक बार आपने इसे नीचे रख दिया तो वहीं पर इसकी स्थापना हो जाएगी। आदित्य पुजारी की बात सुनकर पीयूष डरने लग जाता है। वो अपने कदम पीछे हटाने लगता है और डरते हुए कहता है, क्या कहा? स्थापना तक इसे पकड़ कर रखना है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। समीर पीयूष की बात से चिढ़ते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है पीयूष, अब ऐसे वक्त पर अब अपने कदम पीछे मत ले यार। पीयूष समीर से कहता है, यार मैं अपने कदम पीछे नहीं ले रहा हूँ, पर तुम्हें पता है ना, मैं ज्यादा भारी सामान लेकर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अर्जुन कहता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, मुझे भी यही लगता है कि पीयूष ये नहीं कर पाएगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अनन्या हैरानी के साथ कहती है, फिर हम क्या करें? नीरज पुजारी कहते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक शिवलिंग मैं पकड़ लूंगा। पीयूष तुम दनपत राय जी का शव ढूंढने ठाकुर साहब के साथ चले जाना। पीयूष नीरज पुजारी की बात से सहमत हो जाता है और हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। आदित्य पुजारी कहते हैं, जब तक रात के 9 नहीं बज जाते तब तक हम ये क्रिया शुरू नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी मौत को रोकने की तैयारी शुरू कर दें। आदित्य पुजारी की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। महेंद्र सिंह हैरानी के साथ कहते हैं, मौत को रोकने की तैयारी शुरू कर दें? मतलब पुजारी जी? आदित्य पुजारी महेंद्र सिंह की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब ये कि हम महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान की मौत को भी रोक सकता है, और वैसे भी आज रात हम अपनी मौत से ही तो लड़ने जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम सुबह तक जिंदा बचेंगे भी या नहीं। अब तो सब महादेव के हाथ में है, महादेव हम सबकी रक्षा करें, जय महादेव। सभी लोग एक साथ नारा लगाते हुए कहते हैं, जय महादेव। शाम के 6 बज गए थे और अजय चिरायु हॉस्पिटल में था। अजय ने पुलिस ड्रेस नहीं पहनी थी बल्कि नॉर्मल सिविल ड्रेस पहना हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से अच्छे से छुपा लिया था। अजय हॉस्पिटल में नवजात बच्चे के कमरे में खड़ा हुआ था और उसके सामने झूले पर एक नवजात बच्चा रखा हुआ था। उसके मन में कई बार ये सवाल आ रहा था कि वो बच्चा चोरी करे या ना करे। उसके हाथ बार बार बच्चे के पास जा रहे थे पर बार बार वो अपने हाथों को रोके जा रहा था, पर जैसे वो अपने हाथ रोकता है उसके हाथ की हथेली के पीछे बने रूह के सौदे का निशान फिर से जलन करने लग जाता है। अजय अपनी जेब में से एक रुमाल निकालता है और उस पर क्लोरोफॉर्म डालकर उस नवजात बच्चे को सुंघा देता है जिससे वो बच्चा बेहोश हो जाता है। जैसे वो बच्चा बेहोश होता है अजय झट से उस बच्चे को उठाकर अपने हाथ में पकड़े काले झोले के अंदर भर लेता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है। अजय लोगों से बचते हुए उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के अंदर से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि डॉक्टर माधवी भी हॉस्पिटल के बाहर ही जा रही थी। अजय डॉक्टर माधवी को देखकर डर जाता है और घबराने लगता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं माधवी मुझे ना देख ले और मैं बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा ना जाऊं, मुझे छुपना चाहिए। हाँ मुझे छुपना चाहिए। अजय के साइड में ही एक दीवार थी, वो काला झोला लेकर उसके पीछे लग जाता है और डॉक्टर माधवी को देखने लग जाता है। डॉक्टर माधवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी घबराई हुई हो और जल्दी जल्दी में कहीं जा रही हो। हॉस्पिटल के बाहर से ही एक आदमी ने अभी अभी एंट्री ली थी। डॉक्टर माधवी जल्दी जल्दी में उसे धक्का मारते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अजय डॉक्टर माधवी को उस आदमी को धक्का मारते हुए देख लेता है और खुद से कहता है, डॉक्टर माधवी को क्या हो गया, ये इतनी तेजी के साथ कहां निकल कर जा रही है, आज से पहले मैंने इनका ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा।
डॉक्टर माधवी के बाहर निकल जाने के बाद अजय भी काला झोला लेकर लोगों की नजरों से छुपते छुपाते दबे पांव हॉस्पिटल से बाहर निकलने लग जाता है। हॉस्पिटल के बाहर काफी अंधेरा था, देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही रात होने वाली है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अजय लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है, वो बहुत डर गया था। अजय हॉस्पिटल की पार्किंग के पास जाने लगता है। वो अपनी जिप्सी के पास पहुंचा ही था कि तभी वो अंधेरे में देखता है कि डॉक्टर माधवी एक काले रंग की कार के सामने खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक लंबी सी सिगार थी जिससे वो लंबे लंबे कश खींचे जा रहा था। सिगार पीते हुए ही वो आदमी डॉक्टर माधवी से बातें कर रहा था। डॉक्टर माधवी अजय से ज्यादा दूरी पर नहीं थी जिस कारण अजय को डॉक्टर माधवी और उस आदमी के बीच की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अजय अंधेरे में खड़ा हुआ था जिस वजह से डॉक्टर माधवी अजय को नहीं देख पा रही थी। डॉक्टर माधवी घबराते हुए कार के अंदर बैठे आदमी से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कार में बैठा हुआ आदमी हंसते हुए कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, अब मैं आ गया तो तुम बोल रही हो क्यों आए? वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। गुस्से में बोला हो या प्यार से बोला हो मैं नहीं जानता, तुम तो मुझे मेरी नाभि वाली केसेस की फाइल लाकर दो, समझी? डॉक्टर माधवी उस आदमी की बातों से परेशान होते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो रहे हो क्या? मैं कहां से फाइल लाकर दूं? जब नाभि वाले केसेस आएंगे तभी तो मैं फाइल लाकर दूंगी ना। देखो अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर कैसे भी करके मुझे नाभि वाले केसेस की फाइल लाकर दो, समझी? अजय डॉक्टर माधवी और उस आदमी के बीच की बातें सुनकर हैरान हो गया था और मन ही मन सोचने लग गया था कि ये डॉक्टर माधवी किस आदमी से बातें कर रही हैं, पर ये नाभि वाले केसेस की फाइल के बारे में क्या बातें कर रही हैं? डॉक्टर माधवी गुस्से से कहती है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर नाभि वाले केसेस आते तो मैं खुद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम्हें लाकर दे देती, पर मैं सच कहती हूँ अभी मेरे पास कोई नाभि वाला केस नहीं आया है। तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम खुद पता कर सकते हो अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो। वो आदमी डॉक्टर माधवी की बात का कोई जवाब नहीं देता और सिगार के लंबे लंबे कश खींचने लग जाता है। डॉक्टर माधवी बोलना जारी रखती है और कहती है, देखो अगर किसी ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करती हूँ जैसे ही कोई भी नाभि वाला केस आएगा तो उसकी पोस्टमार्टम फाइल इंस्पेक्टर अजय को देने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगी। वो आदमी कहता है, देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ और जल्द वापस आऊंगा नाभि वाले केसेस की फाइल लेने, समझ गए तुम? वो आदमी अपनी कार चालू करता है और वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद डॉक्टर माधवी भी वहां से वापस हॉस्पिटल में चली जाती है। डॉक्टर माधवी और उस आदमी की बातें सुनकर अजय गहरी सोच में डूब गया था। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कार के अंदर बैठा आदमी कौन था, उसने उस आदमी को पहली बार देखा था। डॉक्टर माधवी और उस आदमी के बीच की बात सुनकर अजय इतना तो जरूर समझ गया था कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अजय डॉक्टर माधवी और उस आदमी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। अजय फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। फोन के अंदर से माखनलाल की आवाज आती है, हेलो साहब कहाँ पर हैं आप? मैं मेघ गांव के बाहर खड़ा हूँ सामान लेकर जैसा आपने कहा था, जल्दी आइए यहाँ अकेले में मेरी जान निकली जा रही है। हाँ माखनलाल मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी आइए। रुकिए 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 साहब, जरा ये तो बताइए आपने नवजात बच्चा तो चुरा लिया ना? हाँ माखनलाल मैंने नवजात बच्चा चुरा लिया है, पर अजय बोलते बोलते रुक जाता है। फोन के अंदर से आवाज आती है, पर क्या साहब? पर माखनलाल मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, अभी जब मैं बच्चा चोरी कर रहा था तो मुझे रुद्र की याद आ रही थी, वो भी तो छाया के लिए यही करता था ना, बच्चा लाकर देता, और आज यही गुनाह मैं कर रहा हूँ। साहब अभी आप ये गुनाह गुनाह के बारे में मत सोचिए, प्लीज बस जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, भूलिए मत, छाया के साथ आपने रूह का सौदा किया है और रूह के सौदे कभी खत्म नहीं होते जब तक कि वो पूरे ना हो जाए, इंसान के मरने के बाद भी नहीं। अजय धीरे से कहता है,
माखन लाल की डरती हुई आवाज सुनाई देती है। प्लीज साहब, आप जल्दी आइए, यहाँ पर डर के मारे मेरी जान निकल रही है। हाँ माखन लाल, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अजय फोन कट कर देता है। अजय काले झोले को जिप्सी के अंदर रखता है और जिप्सी चालू करके माखन लाल के पास जाने के लिए निकल जाता है।